Assalamualaikum. कैसे हैं आप लोग सब? As usual, sorry, बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं बिकॉज बहुत ज्यादा बिजी हो गए हैं. नहीं होता भाई टाइम यहाँ पे, काम काज, फिर बच्चों के मसले हैं. बच्ची के मसले, बच्चे नहीं हुए अभी तक, बच्ची है खाली. बहुत बिजी हो गए, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. आज बहुत मुश्किल से हमने टाइम निकाला है और हमने सोचा आप लोग को अपडेट दें. जैसे भाई दुनिया में बहुत चेंजेस आए हैं, टर्की में भी बहुत चेंजेस आए हैं भाई. इट्स महंगाई के हवाले से, इट्स सो वेरी एक्सपेंसिव नाउडेज. खैर इसी चीज़ का कंपेरिजन करना है. आसान हो रही है, आसान के बाद फिर मिलते हैं. हाँ भाई, तो हम कह रहे थे इन्फ्लेशन, महंगाई के बारे में. टर्की में लास्ट 2 महीनों से बहुत महंगाई हो गई है. जो एवरी वीक प्राइसेस आर गेटिंग हायर एंड हायर एंड हायर. एग्जैक्टली, मतलब जो डॉलर का एक्सचेंज रेट टर्की में 2-3 महीने पहले 8 से 9 था, वो आज 17 क्रॉस कर गया है. मतलब इट्स मोर देन डबल. तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये बता सकें कि ग्रोसरीज में कितना फ़र्क आया है. 2 महीने पहले ग्रोसरीज कितने की थी और अब कितने की हैं. कारपुर जाएंगे और कारपुर जाके हम अपनी ग्रोसरी देखते हैं कि कितनी एक्सपेंसिव है. और यहाँ पे हर सैटरडे को सैटरडे बाज़ार भी लगता है. हमने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है सैटरडे के ऊपर, वो आप यहाँ पे ऊपर कहीं देखिएगा तो लिंक मिल जाएगा आपको. तो वो भी जाके चेक कीजिएगा. उसमें प्राइस, मतलब उस वीडियोज़ के प्राइस और अब के प्राइस में आप लोगों को डेफिनेटली कंपेरिजन पता चल जाएगा. तो फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो. हाँ चलेंगे. तो ये हम लोग मॉल में आए हुए हैं. ये हमारे घर के पास का ही मॉल है. हमारा कौन सा मॉल है ये? एलिफेंट मॉल है ये, और बहुत ही अच्छा मॉल है. आई लव इट. ये यहाँ पे बच्चों की बंजी जंपिंग भी है यार, ये बहुत नेक्स्ट लेवल लगती है मुझे. जोया जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तो उसको करवाऊंगा ये. वही देसी वाली हरकत नहीं छोड़ोगे ना? ऐसी नहीं चल रही है इसमें. चलो आ जाओ लिफ्ट से. अब जल्दी से बड़ी हो जाओ ना. तुम बड़ी क्यों नहीं हो रही हो? यहाँ पे ये अच्छा सीन है, वैसे पाकिस्तान में भी होगा कि आप वैसे ही यहाँ पे ट्रॉली नहीं निकाल सकते हो. आई मीन यू हैव टू पुट कॉइन इन इट. यहाँ पे आप एक सिक्का डालोगे तो ही निकाल सकते हो. तो हमें चाहिए सिक्का. हमारा कॉइन तो दे. कितने के हैं क्रॉक्स? ये क्रॉक्स लगे हुए हैं ना यहाँ पे. 9000 के हैं. हाँ मोहतरमा, कितने के? 9000. बताए कितने जीरो आते हैं? ये एक लेजेंड ने कहा था कि 9000 के. अगर आप अच्छा गाइस यहाँ पे ये देखो, कैरफोर में ये पूरा कैंपिंग साइट की सारी एसेसरीज पड़ी हुई हैं. मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं चेयर्स. यहाँ पे ज़्यादातर लोग बीच पे जाते हैं या पार्क में भी जाते हैं. अक्सर हम भी शाम में पार्क चले जाते हैं चाय शाय पीने के लिए. तो ये बहुत अच्छी होती हैं, फोल्डेबल होती हैं और इस तरह बैग में आ जाती हैं. सो कैरी करो और कहीं पे भी ले जाओ. ये पहले थी, अच्छा ये इसके प्राइस हैं. शिट यार, पहले ये 70 की थी आज से 2 महीने पहले और आज ये 137 लीरा की है. 137 लीरा पाकिस्तानी PKR में अगर मैं कम वो करूँ, कन्वर्ट करूँ तो एटलीस्ट 1300-1400 रुपये की हुई है. और ये देखो ये कैंप है और ये आउटडोर चेयर्स हैं. और चलो जा, बस मुफ्ता मिलानी बैठ गई. ओ हमारी वाली टेबल कितने की है? शिट गाइस, यही वाली टेबल हमारे पास घर पे पड़ी हुई है, सेम डिट्टो. वो हमने कितने की ली थी? हमारा 500 टाले की ली थी. यहाँ पे लीरा को टाले बोलते हैं, तो अक्सर मैं वीडियो में अगर टाले बोलूँ तो समझ जाना कि मैं लीरा की बात कर रहा हूँ. तो अब 1300 लीरा की हुई है, मोर देन डबल. अच्छा कैरफोर में ये अच्छा सीन है कि यार डील जहाँ बहुत होती हैं, जैसे कि ये पूरे हेड एंड शोल्डर्स क्लेयर्स की उसमें डील लगी हुई है. जैसे कि ये शैम्पू है
ये लगा हुआ है, वैसे 41 का है पर यहाँ 29 का, पाकिस्तानी बन गया 350 रुपये का। अच्छा बेस्ट पार्ट ये है कि ये जो ब्रांड्स होते हैं ना, या तो मेड इन टर्की हैं या फिर मेड इन यूरोप की जो कंट्रीज़ होती हैं, मेजॉरिटी फ्रांस हो गए, इटली हो गए, ये वहाँ की होती हैं। अच्छा एक और चीज़ बताऊँ मैं, इतनी प्यारी डोर है ना, ये सारे सनसिल्क हैं एक्चुअली। टर्किश गवर्नमेंट का रूल ये है कि आप जब यहाँ पे किसी भी अपने ब्रांड को इंडोर्स करते हो तो यहाँ के लोकल ब्रांड से मर्ज करने के बाद ही इंडोर्स कर सकते हो। तो इन्होंने फिर सनसिल्क का नाम चेंज करके एलिडोर रख दिया, जो है 27 लीरा के। अच्छा ये बेबी बिस्किट है और इट्स मेड इन टर्की, और ये है 28.50 डाले का, तो ये अराउंड हो गया 350 का ये पैकेट। अच्छा है, बड़ा पैकेट है और ये काफ़ी हेल्दी होता है बच्चों के लिए। और बच्चों की अगर मैं बात करूँ तो बेबी मिल्क जो है यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है यार, पता नहीं, मैंने पाकिस्तान में तो एक्सपीरियंस रहा नहीं मुझे, लेकिन मेरी बेटी ये वाला इस कंपनी का दूध पीती है, एप्टा मिल का, एप्टा मिल 2। तो अगर आप ये देख सको कि इट्स एन 800 ग्राम 6 से 9 महीने की बच्ची के लिए, ये अगर हम ले तो ये हमको पड़ता है 179.95 डाले का, मतलब 180 डाले, विच इज़ अराउंड 2000 रुपये। तो ये 2800 ग्राम है, महीने में ऐसे 4 से 5 डब्बे चाहिए होते हैं, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव है। खैर और भी ऑप्शन है इसके पास, ये हंगरी का है, अगर आप फिर टर्किश ब्रांड पे आ जाते हो तो ये फिर बेबिलेक ऑप्शन है, ये टर्किश ब्रांड है, ये भी 70 डाले का है। और एक ये वाला है, एक एप्टामेल है और एक ये एसएम है, ये तीनों ब्रांड यहाँ पे बहुत मशहूर हैं। ये एक्चुअली फ्रूट की प्योरीज होती हैं। अच्छा ये आप, ये मुझे बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगता है और ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, दिस इज लाइक 6 लीरा ईच। ये 8+ मंथ के लिए भी है, 5+ मंथ के लिए भी है, 6+ मंथ के लिए भी है, तो ये मुझे बहुत ईजी लगता है। और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, लाइक दिस इज़ एप्पल एंड पीच, दिस इज़ एप्पल बनाना एंड ऑरेंज, एंड दिस इज़ स्ट्रॉबेरी एंड योगर्ट, तो दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन। और जो तो बहुत शौक से था, डोरिटोज इज वन ऑफ माई फेवरेट हियर, ये वाला, ये भारत मसाले को भारत कहते हैं, ये भारतली मींस इट्स स्पाइसी। दिस इज कोकोमो, टर्की का कोकोमो, इसमें 4 कोकोमो नहीं होते हैं और इसमें खूब भर भर के चॉकलेट होता है। ये वाला अच्छा होता है, मैं ये वाला लेता था, छोटा ही बड़ा है, तो ये अच्छा ना, ज्यादा होते ना। चलो ये लेते हैं। मिफ्ता इस्माइल देख रहे हो तुम, इसमें 4 नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं। ये कौन सा है? जो भी मैं चीज वो खराब है आज। आज ये पनौती चल रही है। बेटी बेटी उधर आपकी। ओए अबे हद हो गई यार, मेरी बेटी को तो कोको में दिखा, बेटी को भूल गए। सॉरी है। बेबी तो अब दिखी है मुझे, ये बेबीज यार, ये यहाँ पे बहुत ऐश है, मतलब पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल से 300-350 की हुई हुई है रेडबुल, और यहाँ पे ये सिर्फ 12.95 की है आफ्टर सेल, जो पाकिस्तानी बनते हैं 140 रुपये। ये यहाँ पे हम ऐसे पीते हैं जैसे हम पाकिस्तान में स्टिंग पीते हैं ना, रेडबुल यहाँ पे हम ऐसे पीते हैं। क्या लिया? रेडी का हमारे का कैपेचिनो। ये क्या है? दिस इज द बेस्ट, ये बहुत कड़वी होती है एंड ये मैंने ट्राई नहीं किया है। ओके हमारी रेडी का है, हमारी रेडी और ये हमारी रेडी। तरबूज का साइज तो देख बिट्टू, मेरा उठा ना इसको, आई डे यू तो इसको उठा के दिखा, ये वाला। ये हम लोग तरबूज होता है और टर्किश में इसको कारबूज कहते हैं, चार्ज फ्रॉम के इंस्टेड ऑफ टी। ये कारबूज है 5 डॉलर का, मतलब 50 रुपये किलो, और ये कम से कम 10 किलो का है। ये बहुत अच्छे होते हैं यार, ये क्या कबन खरबूजे जो होते हैं ना, सब कबन कहते हैं। ये 11.90 का है, मतलब 130 रुपये का किलो है, पर ये बहुत मीठा होता है यार लिटरली। और ये हमारे पाकिस्तान वाले तरबूज हैं, इसकी भी सेम प्राइस है, पर इससे ज़्यादा अच्छे मुझे वो वाले लगते हैं। अच्छा मीट का सीन ये है कि यहाँ पे गाय जो होती है ना काउ, उसको दना कहते हैं और दुम्बे को अदना कहते हैं, और ज़्यादातर यहाँ पे दुम्बा खाते हैं, यहाँ पे गाय बहुत कम खाते हैं, बकरा तो खाते ही नहीं है। ये दना की ऑलरेडी बोटियाँ हुई हुई हैं, और ये है पर केजी 164 का केजी है ये,
और 164 होते हैं यहाँ के, ऑलमोस्ट 1800 रुपये। यहाँ पे गोश्त काफ़ी महंगा है और टू बी वेरी ऑनेस्ट टेस्ट में भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। हीक जो होती है ना, हीक होती है इनके गोश्त में। और कीमे के पैसे हैं ये 57 का है और इसका वेट है 100 ग्राम, तो ये भी ऑलमोस्ट 160-170 लीरा पर केजी है। चिकन जो है, चिकन यहाँ पे मिलती है इस तरह की, मतलब विथ स्किन मिलती है, विदाउट स्किन चिकन मिलती नहीं है। विदाउट स्किन फिर आपको ये मिलते हैं कटे हुए। और चिकन यहाँ पे, चिकन भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, जैसे कि ये है 37 का है और ये है 0.64 ग्राम, आधे किलो से थोड़ा सा ऊपर। तो मतलब ये चिकन पर केजी हुई यहाँ पे 60-70 टाले की आपको चिकन मिलती है। ये देखें, ये डील में टमाटर लगे हुए जो कि वैसे बाहर 14 के हैं। ले लिए तुमने? देखो यहाँ पे अभी है 7.95, मतलब 85-90 रुपए के, लेकिन इनकी क्वालिटी मतलब लिटरली आँख बंद करके कोई भी उठा लो, एक टमाटर गंदा नहीं होगा या सड़ा हुआ नहीं होगा। क्वालिटी वाइज यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं यार। मतलब मिर्चियों का साइज़ देखो, मीठी इनकी मिर्ची में कोई तिखास नहीं होती, सीरियसली। हाँ भी मेरा क्या सीन है फिर, चलें। अच्छा, जो जो सामान हम यहाँ पे लेना था वो हम ले चुके हैं, तो बस आपको यही थोड़ी बहुत चीज़ें दिखानी थी कि यहाँ पे कितने का है। जब अब ये ब्रांड है केयरफोर, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है चीज़ें, लेकिन अब जब हम आपको जहाँ लेके जा रहे हैं ना, वो है हफ्ता बाज़ार, जो यहाँ पे हर सैटरडे को लगता है। वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ का प्राइस है, तो चलते हैं। हाँ भाई, मार्केट बस सामने ही सैटरडे बाजार है, वहाँ जाके देखते हैं कितने का ये सब सामान। जो जो भी चीज़ें मैंने आपको कैरफोर में दिखाई है ना, मुझे डेफिनेटली मैं श्योर हूँ कि यहाँ पे हर चीज़ उससे सस्ते में ही होगी, क्योंकि ये सैटरडे बाज़ार वीकली लगता है। और जितने भी टर्किश है ना यहाँ पे, वो सैटरडे बाज़ार से ही करते हैं ग्रोसरी ज़्यादातर। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कहीं और से लेते हैं, फ्रूट्स, स्पेशली फ्रूट्स, वेजीज, फ्रेश, और क्या होता है, चीज़ वगैरह, अंडे, डेयरी आइटम, ये सब ये लोग यहीं से लेते हैं। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये स्टार्ट हो गई है, चेरीज दे रहा है 25 लीरा की किलो। सस्ती हैं यार हमारे यहाँ पे चेरीज। हाँ, 25 अभी बाजार में देखते हैं और सस्ती मिलती है। ये हमारे घर का ही मेट्रो स्टेशन है, यहाँ से सामने ही सैटरडे बाजार है। जैसे कि ट्राउजर्स हैं, ये ट्राउजर्स नहीं कदर अभी यूज ली रहा। अच्छा, ये 100 का है और ये 80-80 के हैं सारे। सही है यार, 80 हो 900 रुपये और ये 1100 रुपये का, लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। कहाँ गई बेगम मेरी? ये हाल हुआ है यहाँ पे। ये लहसुन 20 लीरा का किलो, क्या है ये, स्कार्फ है? ये है कि स्कार्फ होते हैं टर्किश, जो स्कार्फ पहनती है इस तरह के होते हैं। निकला अभी गर्मी बेच, हाँ 25 का है, लेना है। देखें ये इस तरह के सारे इंस्टॉल्स लगे हुए हैं, जहाँ हमने 25 की देखी थी ना वो रोड के पास, वे देखें ये 20 की मिल रही है यहाँ पे चेरीज, वो बहुत टेस्टी होती हैं। ये स्ट्रॉबेरीज हैं इनकी 15 की खाली, ये बाहर 25-30 की होती हैं। पाकिस्तानी 150-160 रुपए की किलो हैं ये, तो पीछे सस्ते हैं 12 लीरा गया, ले लो। जबल जी में कैसे
ये बनाना यहाँ पे, अच्छा बनाना का सीन यहाँ पे बैठ ये है कि ये केजीज के हिसाब से मिलते हैं, वेट के हिसाब से। ये पाकिस्तान की तरह नहीं कि एक दर्जन इतने के, आधे दर्जन, ये एक किलो 18 के हैं। बनाने यहाँ बहुत महंगे हैं। अब ये देखें, यही चेरी यहाँ पे 17 की मिल रही है, कितना फ़र्क है। ये 18 के किलो हैं, तो ये एक बंच जो है ना, ये वाला बंच कम से कम भी 3 किलो का है। तो ये आपको 8-10 केले आपको पड़ेंगे पाकिस्तानी 3646, मतलब 600 रुपये के 10 केले हैं, अगर एक रफ आइडिया लगाऊं तो। ये बहुत एक्सपेंसिव है यहाँ पे। सॉक्स ले रही हो? 10 के कितने? 6 3 तो 3 पेयर ऑफ सॉक्स 10 के। बुशतवार अभी सबक खाली दे रहा है। हर चीज मिलती है इनके सैटरडे बाजार में। ये अच्छी शॉप है यार, ये मेरी फेवरेट शॉप है। 50 में आपको ये नई नई टी शर्ट्स मिल जाती है। अब दिखाओ से खोल के। सी इट्स अ मावी ब्रांड है और इट्स अ गुड ब्रांड। यहाँ पे ये टर्किश ब्रांड है, बहुत अच्छा। ये लेमन यहाँ पे इस तरह पड़े हुए हैं 15 के। धनिया इसके पास वो नहीं है सोया, ये धनिया यहाँ पे 2 लीरा का है। चलो 2 लीरा का, 5 किलो ले जाओ। ज्वेलरीज वगैरह भी हैं। ये कवन की शॉप है। अब ये 25 का 1 दे रहा है, ताने मतलब 1 है। ये केजीज के हिसाब से नहीं दे रहे। यहाँ पे ये वाले टमाटर बड़े वाले, ये 8 के लीरा के किलो दे रहे हैं। वहाँ पे वो छोटे थे 8 के। ये देखें इनके साइजेस, 40 लीरा वाले एक कोली ली रहे हैं। और ये अंडे चूज करके आप खुद ही काट सकते हैं। मैं बड़े वाले अंडे खिला रहा हूँ। आपको भी सेलेक्ट करके, या तो इनसे बोलो तो ये लोग कोलियाँ बनी हुई होती हैं, या तो आप पूरी सेलेक्ट करके डाल सकते हो। बना ली कोली। वॉलेट क्या है मेरा? इस तरह पैक कर देते हैं। ये पूरे मंथ का हमारा हो जाता है। 30 इसमें अंडे होते हैं और ये पड़ते हैं 40 लीरा। यदि पाकिस्तानी होते हैं अराउंड 600 रुपये, 600 रुपये के 30 अंडे हमें मिलते हैं, विच इज़ नॉट बैड। हम करेंगे कम, अब 1 ही किलो, 15 के 2 किलो हमें आ रुकती है इसमें, जो कि 160 रुपये के हैं। जर्मी ली रहा तमाम। ये हमें पड़ा है, हमने 2 किलो लिए हैं, वैसे 3 किलो 20 के हैं, पर इसने 14 के 2 किलो दे दिए हमें। तो ये 6 या 7 दी रही किलो पड़ी, क्योंकि सस्ती है। ये हमारी पाकिस्तान वाली प्याज, पर ये बहुत तेज़ होती है यार, बहुत तेज़ होती है। ये वाली ज़्यादा अच्छी होती है। ये बच्ची कितने की है? कितने की है ये? प्राइसलेस है ये। 1 किलो कितने की मिलेगी? जोया गंदा बच्चा। अच्छा भाई, फाइनली ग्रोसरी हो गई हमारी और बस अब घर जा रहे हैं। सैटरडे बाजार वहाँ पीछे है और वहाँ से हमारा घर 7-8 मिनट की वॉक पे है, तो बस अब घर ही जा रहे हैं। और कुछ इस तरह की स्ट्रीट्स लगती हैं इस्तांबुल की। ग्रीनरी बहुत है यार इस्तांबुल में, अगर मैं बात करूँ ना, इट्स वेरी मच लश ग्रीनरी इन इस्तांबुल। वैसे तो ये बेबी को रखने के लिए, लेकिन बच्ची हमारी वहाँ पे आप वीकली ग्रोसरी अगर आप करते हो तो आपको एक तो फ्रेश चीजें भी मिलती हैं, और ये है कि आप हर सैटरडे टू सैटरडे आप ग्रोसरी करते हो। एक और चीज मुझे आपको दिखानी है।
केयरफोर तो मैं आपको सिर्फ कंपैरिजन के लिए लेके गया था कि केयरफोर और एक दो चीज़ें भी चाहिए थी खैर, लेकिन केयरफोर यहाँ ज़्यादातर लोग केयरफोर से चीज़ें नहीं लेते, या तो सैटरडे बाज़ार से लेते हैं जैसे मैंने आपको कहा, या तो फिर यहाँ के अपने गवर्नमेंट के ब्रांड हैं। यहाँ बेस्ट पार्ट ये है कि कुछ सुपरमार्केट्स गवर्नमेंट भी ओन करती हैं, तीन का मुझे नाम पता है, हो सकता और भी हो, एक है शोक, एक है A101 और एक है बिम। ये तीनों में प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही होती है और बहुत सस्ती होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये A101 है, इस तरह शोक भी है और बिम भी है। अब जैसे कि आज सैटरडे है ना, तो उन्होंने एक सैटरडे की वीकली डील्स निकाली होंगी। अब इन्होंने ये 14 की जगह 12 के कर दिए पीच, एवोकाडो सस्ते लोग कर दिए इन्होंने, ये छोटे टमाटेस, ये लोग टमाटर को टमाटेस कहते हैं, और ये धनिया इन्होंने 2 का कर दिया है। अगर सैटरडे के अलावा अगर आपको कभी कुछ चीज़ लेनी हो तो ये ब्रांड्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ हमारा घर है। हाँ भाई, फाइनली घर पहुँच गए हम लोग। बहुत सारी ग्रॉसरी कर ली हमने आज, और यही बताना था खैर इन दी एंड, जितने भी कंपैरिजन मैंने किया, PKR में भी बताया मैंने, लीरा में भी बताया, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पे मुझे, आई नो इट्स लिटिल बिट शॉकिंग फॉर यू गाइस, क्योंकि हर वीडियो में लोग यही कहते हैं बहुत एक्सपेंसिव हो गया, बहुत एक्सपेंसिव हो गया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगा, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। जैसे रीज़न नंबर वन, अगर यहाँ पे महंगाई हुई है तो सिर्फ यहाँ पे नहीं हुई, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, उसने जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेस्ट पार्ट उसने ये काम किया है कि यहाँ की बेसिक नेसेसरीज में उसने इतने ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं किया। आलू, दूध, अंडे, गोश्त की हद तक भी मैं कहूँगा, ये सब चीज़ें सस्ती ही हैं, थोड़ी सी बढ़ी लेकिन उतनी नहीं बढ़ी। ट्रांसपोर्टेशन वैसा ही है यहाँ पे। और थर्ड पॉइंट, यहाँ पे अगर महंगाई हुई है तो यहाँ पे मिनिमम वेजेस भी बढ़े हैं लोगों के। अगर एक बंदा है यहाँ पे और अगर वो मिनिमम वेज कमा रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो वो इस पैसों में अच्छे से अच्छी ज़िंदगी गुजार सकता है यहाँ पे। बट इफ़ यू आर अ फैमिली, अगर हाँ, आपकी फैमिली है, तो मिनिमम आपको आजकल के दौर में 10,000 लीरा तक चाहिए होंगे, क्योंकि रेंट्स भी बढ़े हैं। रेंट्स भी बढ़े हैं, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि घर के रेंट्स कितने बढ़े हैं और घर किस एरिया में फैमिली के लिए, पाकिस्तानी फैमिली के लिए स्पेशली अच्छा है, क्योंकि आजकल जो सीन चल रहे हैं पाकिस्तानियों के साथ, तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से एरिया में घर कहाँ पे लें और कितने तक में मिल जाएगा, वो एक अलग टॉपिक है, उससे बात करेंगे। ओवरऑल एक बंदे के लिए ये मिनिमम वेजेस सही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर एक इंसान यहाँ पे एक ग्रॉसरी करता है ना, हफ्ते, महीने में 4 हफ्ते, वो 1,000 लीरा में अच्छी ग्रॉसरी कर सकता है, जिसमें गोश्त भी आ सकता है, सब चीज़ें आ सकती है, फ्रूट्स आ सकते हैं, अच्छा खाना खाते हो आप। तो इन द एंड मैं यही चीज़ पे कंक्लूड करूँगा कि इतनी महंगाई नहीं हुई टर्की में, अभी भी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान से सस्ती लगी मुझे, महंगा तो दूर होने की बात है। और दुनिया से अगर मैं कंपेयर करूँ तो टर्की मुझे बहुत सस्ता लगता है। मैं दुबई में भी रहा हूँ, मैं मलेशिया में भी रहा हूँ, उनसे अगर मैं कंपेयर करूँ तो टर्की अभी भी बहुत सस्ता है, और चीज़ों की क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, नो डाउट, हर चीज़ रियल असली। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कंटिन्यूस यहाँ पे आए हुए 1 साल हुआ है अभी, हम लोग माशाल्लाह 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 हम लोगों से कोई भी एक बार भी बीमार नहीं हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह, अब तक ना कोई बीमार हुआ, ना पोल्यूशन है यहाँ पे, और ना यहाँ पे कोई उस तरह का सीन है फैमिली को बाहर ले जाते हुए डरते हो। खैर, ये अगेन मैं कहूँगा कि एक आउट ऑफ द टॉपिक बात है, इस बारे में हम कभी और दिन बात करेंगे कि टर्की में अच्छा सही है या नहीं है रहना, एज अ पाकिस्तानी, एज एन इंडियन, या एज अ बांग्लादेशी फैमिली को। तो खैर, या सो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर व्लॉग अच्छा लगा, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लगा आपको, जरूर लाइक करना यार, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें कमेंट में बताएं। एग्जैक्टली, और मुझे ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि यार मुझे और किस किस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। जैसे आज मैंने ग्रॉसरी की कंपैरिजन पे वीडियो बनाई, और किस किस चीज़ पे वीडियोज़ बना सकता हूँ, कि कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझे कॉमेंट में बताना, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना यार, इसे बहुत हेल्प होती है। थैंक यू। ठीक है जोया, तुम भी बोल दो, जोया बोल दो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, जल्दी बोल दो, ओए जल्दी बोल दो, कैमरा में देख के बोल दो, नहीं नहीं बोलना, चलो भाई, अल्लाह हाफिज़।